नंबर ऑफ इंजरीज। मॉम क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ डियर, तुम ये क्यों पूछ रही हो? नो आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है आपको चोट लगी है। एक्चुअली डियर यस, मैं आज ही सुबह गिर गई थी। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? मुझे लग रहा है कि मैं देख सकती हूँ कि लोगों को कितनी बार चोट लगी है। ओह तो ये तुम्हारी न्यू पावर है। यस मॉम। सिस मेरा आज स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों, तुम्हें स्कूल जाने का बिल्कुल मन क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ट्रिप पे गई थी और वहाँ मेरे लेग पे चोट लग गई थी, इसलिए। तुम्हें सिर्फ एक चोट लगी है, वो भी हल्की सी। नो मुझे सच में चोट लगी है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो। क्या निया, हमें आज की डेट कैंसिल करनी होगी। क्यों, तुमने मुझसे कहा था कि आज चलेंगे। आज सुबह मुझे एक बहुत ज्यादा चोट लगी थी, मेरी एक मोटरबाइक से टक्कर हो गई थी, इसलिए इस वक्त मैं कहीं नहीं जा सकता। तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है। बट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में चोट लगी है। कहाँ लगी चोट, मुझे दिखाओ। मुझे तुम्हारी बॉडी में तो एक भी स्क्रैच नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो मुझसे झूठ बोले, इसलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वेट, तो स्टूडेंट समाज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। सर क्या हुआ है निया? अगर आप बहुत ज्यादा बीमार है तो आपको लेसन स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट इससे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नो सर, हम खुद से लर्न कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू निया। यू वेलकम सर, होप कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। निया तुम जानती हो कि आर्यन हमारा क्लासमेट है, राइट? यस, जो हमेशा चुप रहता है वही आर्यन। यस वही, लेकिन तुम लोगों के नंबर ऑफ इंजरीज देख सकती हो ना? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें आर्यन की नंबर ऑफ इंजरीज देखनी चाहिए क्योंकि वो हमेशा चुप रहता है? यस तुम सही कह रही हो, मैं थोड़ी देर में देखती हूँ और मुझे भी जाना है कि वो हमेशा इतना चुप क्यों रहता है। वैसे ही दिखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। हे आर्यन, ये इतना चुप क्यों है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे आंसर दो। मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला रहूँ। हाँ, इसकी नंबर ऑफ इंजरीज इनफिनिट कैसे हो सकती है? ये लोगों की इंजरीज इनफिनिट क्यों है? क्या तुमने ये फाइंड किया कि आर्यन की नंबर ऑफ इंजरीज कितनी है? यस, मैंने फाइंड किया और उसकी नंबर ऑफ इंजरीज इनफिनिट है। इसका मतलब उसे खूब सारी चोट लगी है। यस तुम सही कह रही हो, बट उसकी बॉडी पे एक भी स्क्रैच नहीं है। आई थिंक वो कुछ छुपा रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें स्कूल और होने के बाद उसे फॉलो करना चाहिए। गुड आइडिया। होप कि इसे ये ना पता हो कि मैं इसे फॉलो कर रही हूँ।